हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ये वाला टॉपिक है हमारे बीटेक में भी बहुत काम आता है, पॉलिटेक्निक में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करते हैं उसमें बहुत काम आता है, और बीएससी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काम आने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम पढ़ते हैं डिटेल में, और इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस टॉपिक में हम क्या क्या टॉपिक को कवरअप करने वाले हैं, हर एक टॉपिक के लिए हम अलग अलग वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमारा आज पढ़ने का जो है इसमें, सबसे पहले तो हमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम बनाना। हम जो पहले कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे थे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह यूज कर रहे थे, तो उसकी बजाय हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम है वो किस तरह से बेटर है, उसका ब्लॉक डायग्राम में क्या डिफरेंस है उसके में और इसमें, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है गाइडेड लाइट सिस्टम, कि हमारे जो लाइट है किस तरह से गाइडेड होती है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम लाइट को किस तरह से गाइडेड करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कि ऑप्टिकल फाइबर होती क्या है, किस तरह से बनती है, क्या चीज़ है, सारा पढ़ना है। उसके बाद हमें एक्सेप्टेंस एंगल निकालना आना चाहिए, जिसका डेरिवेशन होता है न्यूमेरिकल अपर्चर, उसका भी हमारे पास डेरिवेशन है, तो वो अलग अलग वीडियोज़ में हम कवरअप करने वाले हैं। एक्सेप्टेंस एंगल का एक अलग बनाएंगे। उसके बाद एटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर, एटेन्यूएशन बेसिकली क्या है, लॉसेज इन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में कौन कौन से लॉसेज होते हैं, किस तरह से होते हैं, उसका हम पूरा एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर, कि डिस्पर्सन कौन कौन से होते हैं, उन सारे डिस्पर्सन्स को हम करने वाले हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड हम उन्हें दो भाग में होती है, एक स्टेप इंडेक्स फाइबर और एक ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, इन दोनों का हम डिटेल में बनाने वाले हैं, कि स्टेप इंडेक्स फाइबर कैसे होती है और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कैसे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, कि किस में एटेन्यूएशन ज़्यादा है, किसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, वो पूरा हम डिटेल में करने वाले हैं। उसके बाद है वह मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन, कि मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन कि सिंगल मोड में किस तरह से काम होती है, मल्टी मोड में किस तरह से लाइट हमारी गाइडेड होती है। उसके बाद आगे हमारे लाइट सोर्स, तो लाइट सोर्स जो एलईडी है और लेजर है, उसका हम बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आगे हमारा लाइट डिटेक्टर, लाइट डिटेक्टर में भी हमारे पिन डायोड और एवलांचे फोटोडायोड होते हैं, एवलांचे और पिन डायोड दोनों का बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ब्रीफ आइडिया ऑफ कपलर एंड स्लाइसर, जो हमारा कि कपलर और स्लाइसर किस तरह से काम करते हैं, हम कपलिंग और स्लाइसिंग किस तरह से करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैं लास्ट में जो इसका है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, कि हमको क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसकी क्या नीड पड़ी थी हमें, किस किस के लिए हमको ऑप्टिकल फाइबर को यूज किया जाता है। अब हमको पढ़ना है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, कि हमारा पहले जो कम्युनिकेशन सिस्टम था और अभी जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के ब्लॉक डायग्राम हमारे सामने हैं। तो जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के जो ब्लॉक डायग्राम, सबसे पहले हमारे पास होता है ट्रांसमीटर, उसके बाद होता है हमारे पास ऑप्टिकल सोर्स, उसके बाद होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसके बाद होता है ऑप्टिकल डिटेक्टर, उसके बाद होता है हमारा रिसीवर। जब हम पहले वाले बात करते हैं, जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे पास क्या होता था, कि इंफॉर्मेशन सोर्स को डेस्टिनेशन तक भेजना होता था। अब इंफॉर्मेशन सोर्स हमारा क्या है, वॉइस डेटा जो हम बोल रहे हैं, तो ये वॉइस डेटा को अगर हमें भेजना होता था तो सबसे पहले हमको मिलता था ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में क्या करते थे, हम मॉड्यूलेशन करते थे, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजना है तो विदाउट मॉड्यूलेशन हम भेज नहीं सकते, तो हमें सबसे पहले हमारा जो सिग्नल है उसका मॉड्यूलेशन करते थे। मॉड्यूलेशन करने के बाद एक ट्रांसमिशन मीडियम होता था। ट्रांसमीडियम मीडियम क्या है, कि हम चाहते हैं, दो तरह का होता है, एक तरह का तो होता है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन, एक होता है वायर्ड कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में तो हम ट्रांसमिशन मीडियम लेते हैं एंटीना, कि यहाँ के एंटीना के थ्रू हम इसको स्पेस में कर देते हैं, उसके बाद एंटीना के थ्रू हम स्पेस से इसको गेट कर लेते हैं सिग्नल को। उसके बाद हमारा क्या है, कि इसमें दूसरा हम लेते हैं ट्रांसमिशन चैनल, चैनल हमारा क्या होता है, वायर होता है जो कि एल्युमिनियम या कॉपर का होता है। उसके बाद हमारा रिसीवर, रिसीवर पर एंड पर सिग्नल पहुंच जाता है, सिग्नल जब पहुंच जाता है तो उसमें हम डीमोडुलेशन करते हैं, डीमोडुलेशन करने के बाद वो फाइनली हमारा डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता था। बट अब हमारा क्या है, कि अगर हम ऑप्टिकल फाइबर के कम्युनिकेशन के ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो सेम इंफॉर्मेशन सोर्स तो अभी हमारा सेम है, उसके बाद उसको हमारा अगर वॉइस डेटा है या हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको हम पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर से उसको हम ट्रांसमिट कराते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होने के बाद वो ऑप्टिकल सोर्स से, ऑप्टिकल सोर्स हमारे जो हैं लेजर है और एलईडी है, तो लेजर और एलईडी जो हमारे हैं उनसे हमको लाइट वेव के थ्रू, इनको लाइट वेव के थ्रू ट्रेवल कराते हैं, और वो ट्रेवल होता है किससे, ऑप्टिकल फाइबर से।
ऑप्टिकल फाइबर से उसके बाद हो जाता है ऑप्टिकल डिटेक्टर पर। तो हमारे जो ऑप्टिकल डिटेक्टर कौन कौन से हैं, जैसे पिन डायोड हुआ, एवलेंच फोटो डायोड हुआ, उनसे हम इसको डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये पहुंच जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल रिसीवर पर। इलेक्ट्रिकल रिसीवर पर आने के बाद यहाँ पर हम जो क्या नाम रिसीवर रिसीव करता है और हमारा डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है। तो इस चीज़ में हमारा ऑप्टिकल फाइबर का काम आ रही है। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में हमारा एक तरह से जो यहाँ पर एक ट्रांसमिशन चैनल का काम जो कर रही थी वो हमारी अब ऑप्टिकल फाइबर काम कर रही है। तो ऑप्टिकल फाइबर के हमारा सबसे पहली बात तो नीड क्यों पड़ी, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम की बजाय ऑप्टिकल फाइबर किस तरह से बेटर है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।